हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम टू यूगेट प्लस सी एस्पिरेंट। जैसे कि काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि यूगेट प्लस सी का नया एग्ज़ाम कब होगा, नए एग्ज़ाम कौन कौन से होने वाले हैं, तो काफ़ी सारे चिंता में थे क्योंकि स्किलर और एलटी के बाद यूगेट प्लस सी का कोई फ़िलहाल कोई पेपर नहीं है, या तो फिर सीधा आपका यूके पीएससी में ही पेपर है। तो मेरे सामने एक अधियाचन है जो यूके ट्रिपल सी के पास आ गया है, तो इसमें वो सारा सारा है जो जो यूके ट्रिपल सी अब एग्ज़ाम करवाने वाला है आगे चल के। तो मेरे सामने एक ये अधियाचन है जिसमें एक सबसे पहला आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका कनी साहिब का, ठीक है, ये कनी साहिब का विवरण है पूरा कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद हैं और क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हल्का सा थोड़ा धुंधला सा है ये फोटो कॉपी है, तो ये मिसप्रिंट हो रखा है। तो एक कनी साहिब का अधियाचन है, इसमें आप देख लो, इसमें जैसे ये सारा इंटरमीडिएट जैसे हमेशा से होता है, इंटरमीडिएट चाहिए आपका, ठीक है, उत्तराखंड से। बाकी आपका इसमें आपका कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, हिंदी टंकण, 4 हजार की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। अन्य बातों का समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो अंग्रेजी टंकण जानता हो, ठीक है, ये चीज़ इसमें दे रखी है। तो कनी साहिब में हमेशा की तरह जैसा पहले भी होता था वही सारी चीज़ें मांगी हैं। तो इसमें देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपका एक कुमाऊँ मंडल में 55 मांगी हैं, 55 पोस्टें हैं, ये आपकी शिक्षा विभाग की हैं। ऐसे आपके गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग की हैं, 50 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कनी साहिब की अधियाचन है जो अभी यूके ट्रिपल सी के पास आ गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो अभी आपको ऊपर दिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये एक और शिक्षा विभाग है, 40 कनी साहिक हैं, कहीं पे दो हैं, है ना, तो कहीं पे ये आपका खनिकर्ण विभाग है, 6 हैं यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर सहायक सा स्वागत करता में ये 3 हैं, उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में हैं ये 11 कनी साहिक यहाँ पे हैं। देखो सब में यहाँ पे इंटरमीडिएट 4 हजार की डिप्रेशन मांगी है, ठीक है, ये आपका 6 है, 8 है, 7 है, तो ये ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो आप इसमें देख सकते हो ये कुल पद 192 हैं जो अधियाचन अभी आपका यूके ट्रिपल सी के पास आया है, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जल्द होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा ये 192 आपके रहने वाले हैं कनी साहिब के। और मेरे पास अभी एक और अधियाचन है, उसमें और पद भी हैं, तो अब आपको वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे। तो जो अगला अधियाचन है यह है आपका व्यक्तिगत सहायक का, ठीक है, व्यक्तिगत सहायक की भी पोस्ट हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो व्यक्तिगत सहायक की रिक्त पोस्ट है, ये व्यक्तिगत सहायक की कितनी पोस्ट है, तो मैं आपको इसमें व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें दिखाऊंगा। एक अधियाचन व्यक्तिगत सहायक का भी आया है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये आपका प्राविधिक शिक्षा विभाग में 22 है, ठीक है, व्यक्तिगत सहायक के, आपका महिला कल्याण विभाग में 1 है, ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, राज्य कर विभाग में भी आपके 30 व्यक्तिगत सहायक चाहिए, आपका सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून में 3 हैं, आपका यहाँ पे भी 4 हैं, तो ये ऐसे ही आपके काफ़ी सारे हैं व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें, 5, 16, ये आपका महाधिवक्ता कार्यालय, इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या मांगा है, इसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा है, ठीक है, साथ में आपका ये आपका इंटरमीडिएट मांगा है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू मांगा है, यहाँ पे टंकण में 400 डिप्रेशन की गति प्रति घंटा मांगी है, आशु लिपि, ठीक है, इसमें इसमें आपका आशु लिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी आशु लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे मांगा है, ठीक है, लेवल आपका लेवल 5 है, 29,200 से शुरू हो रहा है आपका ये, ठीक है, व्यक्तिगत सहायक ये सारा आपका इसमें डिप्रेशन की प्रति घंटा 4 हजार मांगी है, ठीक है, हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द, वही सारा। तो ये आपकी नंबर ऑफ पोस्टें हैं, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, मानसिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भी 17 हैं, तो ये ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें व्यक्तिगत सहायक की आपको पोस्टें, नंबर ऑफ टोटल पोस्टें कितनी हैं, ये हैं आपकी, थोड़ा सा ये हल्का है तो इसमें आप ध्यान ना दें क्योंकि आपका मेन काम है कि नंबर ऑफ पोस्टें कितनी आने वाली है व्यक्तिगत सहायक की। तो जिन जिन का ये आशुलिपि वगैरह का है ये उनका बहुत अच्छा मौका रहने वाला है, तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं
काफ़ी सारे हैं इसमें, देखो व्यक्ति का साइक 22, ये नेवी हैं तो कम से कम 33-34 में जा रहा है ना। तो ये आपकी व्यक्ति का साइक की टोटल 201 पोस्ट आने वाली हैं, 201 पोस्टें आने वाले व्यक्ति साइक के कुल योग, ठीक है। 201 पोस्टें आपकी व्यक्तिगत साइक की आने वाली हैं और ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, काफ़ी सारा पेज है तो इसमें, ठीक है, उसमें वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ये व्यक्ति के साइक की पोस्टें हैं तो जैसे कि इसमें मैं आपको और नीचे दिखाता हूँ, इसमें और पोस्टें भी हैं, ये तो सारी व्यक्ति के साइक की चल रही हैं। फिर इसमें आपका ये तो व्यक्ति के साइक का अधियाचन है, फिर आपके पास यहाँ पे और भी आए हैं, जैसे ये आपका कनिष्ठ प्रव वक्ता मायन गायन गाने वाने वालों का भी है, कनिष्ठ प्रवक्ता सितार वालों के लिए भी है, एक पोस्ट है कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य, कनिष्ठ सहायक रसायन के दो पदा रखे हैं, प्रयोगशाला सहायक के ये शायद 7 लिखा है, सहकारी निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी के 34 हैं, ठीक है। प्लम्बर का, ये प्लम्बर का आपका 1 है, ठीक है। आपका संगतकर्ता तबला 4, संगतकर्ता सारंगी 1, ये इस तरह काफ़ी सारे लोक नृत्य समकर्ता गायन इस तरह की पोस्टें भी हैं इसमें, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो ये कुछ लिखा है यहाँ पे, ये BCA BEd और BTech BE मांगा है, कंप्यूटर शिक्षा वाला है ये, ठीक है। तकनीकी सहायक इंटर के साथ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ये मांगा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कनिष्ठ भंडारक 7 पोस्टें हैं, 4 डिप्रेशन की मांगी है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर ये भी है यहाँ पे, फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर के यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। फोटोग्राफर कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, इलेक्ट्रिशियन की भी पोस्ट है 1 है, रिपेयर की 3 है, प्रयोगशाला सहायक फार्मेसी वालों के लिए भी 14 पोस्टें हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका ये भी कुछ लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, केमिस्ट है शायद, केमिस्ट के ये आपके 12 पोस्ट है, केमिस्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपका क्या विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सूचना आयोग में है, रिकॉर्ड कीपर है शायद, एक पोस्ट है आपका, ठीक है। बाकी आप कनिष्ठ प्रविधिक सहायक में 3 पोस्टें हैं आपकी, ठीक है। सहायक कृषि अधिकारी की भी पोस्टें हैं यहाँ पे, क्लियर नहीं है पर यहाँ पे सहायक कृषि की भी आ रखी हैं, कटक अधिकारी की 1 है, स्वागति की 3 है, सहायक स्वागति की 1 है, ठीक है। अन्वेषण सहायक की आपकी 1 है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 है, नर्स की भी 4 हैं। इसमें भी आपके डिप्लोमा वगैरह जो भी मांगा है आप इसमें पढ़ लेना, सदियाचन में कनिष्ठ वाला भी है यहाँ पे, प्रभारी फैसिलिटेशन अधिकारी का 1 है, हाँ ये आपका सहायक अध्यापक के 4, प्राइमरी सहायक अध्यापक के 9, ठीक है। इसमें आपका क्या मांगा है, डिप्लोमा DLED BTC अथवा, ठीक है। ये जन जन जनजाति कल्याण में है, महिला कल्याण विभाग में मनोवैज्ञानिक में 2 पोस्टें हैं, ठीक है। कैमरामैन की 1 है, ये भी इस तरह की पोस्टें हैं, कलाकार की 1 है, ठीक है। तो ये भी कुछ नए पद आए हैं जिसका आपको आने वाले टाइम पे पेपर दिखेगा, ठीक है। साहसिक खेल अधिकारी के आपके 3 हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 है, पुस्तकालय एवं ये आपके पुस्तकालय के भी आपके 1 है, ठीक है। पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के 1-1, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 हैं, ठीक है। कि कैटलॉगर का आपका 1, तबला वादक के 6, प्रवेशक का 1, ठीक है। ये आपका अब यहाँ पे है अनुरेखक ट्रेसर के अधियाचनों का विवरण है ये, ठीक है। इसमें 1 है, 2 है, इसमें भी आपका आईटीआई में मांगा है, नियमावली उपलब्ध नहीं कराई गई है इसके ऊपर वाले की, ठीक है, ये आईटीआई वगैरह। फिर आपका है ये तकनीकी प्रकृति के पदों का अधियाचनों का विवरण है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें बेंत कला प्रशिक्षक 1 है, ठीक है। आपका और भी अधियाचन आए हैं कुछ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के, कुल योग हैं आपके ये 7 पद यहाँ के आ रखे हैं टोटल, ठीक है। ये आपके सहायक लेखाकार के मैंने आपको बता दिए, ये 23 हैं पर ये टोटल आपके ऊपर आपने कितने देखे थे, 201 देखे थे, ठीक है। तो ये है आपका UK SSC का अधियाचन जो UK SSC के पास आ गया है, ठीक है। आने वाले टाइम पे आपको इसी का एग्ज़ाम वगैरह दिखेगा। तो ये था अधियाचन।
हाँ, बाकी आप लोगों का स्केलर का पेपर चला गया है आपका 25 को, ठीक है, 25 अगस्त को चला गया आपका स्केलर का पेपर। और अब आने वाला पेपर आपका और कौन सा है, एक आपका LT का पेपर है आने वाला, ठीक है, अगर UKPSC की बात करें एक आपका SI का है, ठीक है। बाकी अभी जो UKPSC का नया अधियाचन है वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगा जब वो मेरे पास आ जाएगा। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, आप सभी को बेस्ट लक आपके आने वाले आगे एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।